से आंटी का गुस्सा तो बहुत ही कोल्ड थी। अभी मैंने सलाम किया, सही से जवाब क्यों नहीं दिया उन्होंने मुझे? जैसा कहा है वैसा कर, फिर देखना। इनफ राबी, I'm sorry, फखर वो सुबह मुझसे उठा ही नहीं गया, इसलिए मैं नाश्ता नहीं बना सकी। जाओ जाओ जाकर सो तुम, और आराम से उठकर नीचे आना। बना लूंगा मैं चाय अम्मी के लिए, मेरी अम्मी है ना, मेरी ही जिम्मेदारी उनका ख्याल रखना, तुम्हारा नहीं। वो सफर से आने के बाद इतनी थक गई थी ना, इसलिए मैं नाश्ता नहीं बना सकी। मुझे माफ कर दो फखर, प्लीज आइंदा नहीं करूं। घर का कोई डिसिप्लिन है राबी, और वो अम्मी ने ही सेट किया है, और अगर तुम इस डिसिप्लिन के खिलाफ जाओगी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? अरे ये सब क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं अम्मी, मैं वो आपके लिए चाय बना रहा था। किसने मांगी है चाय तुमसे? चाय तो मैं 2 घंटे पहले पी चुकी, और तुम्हें शर्म नहीं आती? इस घर का एक डिसिप्लिन है, और इस डिसिप्लिन में ये भी शामिल है कि आवाज ऊंची ना हो। तुम इस बच्ची पर चिल्ला रहे जो हफ्ता भर पहले ब्याह कर इस घर में आई है? कहां से सीखा तुमने लड़की पर चिल्लाना? इसे तो तुम अपनी माँ का डिसिप्लिन समझा रहे हो, लेकिन तुम्हें कोई परवाह है कि मुझे ऊंची आवाज से कितनी नफरत है? सॉरी अम्मी, मुझसे गलती हुई है, मुझे सुबह उठना चाहिए था। अरे नहीं नहीं बेटा, इस तरह से रोकर मुझे शर्मिंदा मत करो। देखो बेटा, तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ये तुम्हारा घर है, और घरों में ऊंच नीच हो जाया करती है। हर घर का रहन सहन तौर तरीका अलग होता है। कुछ दिन रहोगी, समझोगी तो सब सेटल हो जाएगा। चाय? चुप रहो तुम। अब क्या तुम इस घर में सास बहू शुरू करवाओगे? I'm sorry, मुझसे नहीं, रावी से कहो। नहीं नहीं अम्मी, इसकी क्या जरूरत? I'm sorry। और खबरदार, आइंदा अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की। अब चलो फ्रिज से ब्रेड निकालो, ऑमलेट बनाओ, हम दोनों के लिए चाय बनाओ, और नाश्ता लेकर आओ। मैं बनाती हूँ ना नाश्ता, मैं भी लेकर। नहीं, अब नाश्ता ये बनाएगा, ये सजा है इसकी। आओ मेरा बेटा। एक मिनट, अम्मी को आगे बैठने दो। जी वो सॉरी अम्मी, आप प्लीज आगे बैठे, मैं पीछे बैठ जाती हूँ। क्या हो गया तुम्हें? बेटा बैठो, तुम बैठो आगे। I'm so sorry अम्मी, वो मैं बेध्यानी में आगे चली गई थी, आप बैठे ना, मैं पीछे बैठ जाती हूँ। क्या बात है भाई, आजकल किन लोगों में उठ बैठ रहे हो? हाँ जी अम्मी। कहाँ जा रहे हो, किन लोगों से मिल रहे हो तुम? नहीं वो आप हमेशा आगे बैठती थी ना, तो इसीलिए मैंने उसको बोला कि वो। मैं हमेशा इसलिए आगे बैठती थी कि घर में हम सिर्फ 2 लोग थे, मैं आगे बैठ जाती थी। अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी बीवी आ गई है, तुम्हारी बीवी आगे बैठेगी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये तुम कैसी बातें करने लगे? हाँ क्या सोचेगी ये, कैसी अपब्रिंगिंग है तुम्हारी, कैसी परवरिश की है मैंने तुम्हारी? मुझे बहुत बुरा लगता है कि घर से निकलते वक्त किसी एक बंदे को टोक दिया जाए और वो ऑकवर्ड हो जाए। कैसी चुप हो गई अब, क्या तासुर लेकर जाएगी वो? हाँ अरे शादी के बाद डिनर पर जा रहे हैं, अपने माँ बाप के घर जा रही है ये, इस तरह से जाएगी क्या सोचेंगे वो इसके बारे में, और ये क्या तासुर लेकर जाएगी अपने माँ बाप के घर? नहीं अम्मी, मैं कोई तासुर नहीं लेकर जाऊंगी, मैं बहुत खुश हूँ। नहीं बेटा, मैं ये चाहती हूँ कि तुम जेन्युइनली खुश रहो, तुम प्रिटेंड ना करो। लेकिन ये मेरा अपना बेटा ऐसा मिसोजिनिस्ट निकलेगा, मुझे पता नहीं था। मिसोजिनिस्ट नहीं हूं मैं अम्मी। अरे भाई अपनी बीवी को टोकना, उस पर हुक्म चलाना, अपनी बर्तरी का एहसास दिलाना मिसोजिनिस्ट नहीं है तो और क्या है? बस घूरना बंद करो इसे, और बेटा बैठो तुम आगे बैठो। शाबाश। मैं तुम्हें बता रहा हूँ बहुत ज्यादा हो रहा है अभी।
जानती हो तुम्हारी वजह से अम्मी ने मुझे कितनी बातें सुनाई हैं, और तुम यहाँ मेरे सामने बैठ के हंस रही हो। वैसे यार तुम्हें वाकई बहुत स्वीट है, तुमने मिला वजह उन्हें इतना गलत पोर्ट्रे किया मेरे सामने। Excuse me, मेरी अम्मी है, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, मैंने जो कहा वो किया बिल्कुल ठीक किया। यार मेरी अम्मी की ना दो साइड्स हैं, उनको ये बेढंगापन और केयरलेसनेस बिल्कुल पसंद नहीं है, कोफ्त होती है उन्हें। हाँ उन्हें ये भी नहीं पसंद कि औरतों से ऊंची आवाज में बात की जाए या उनकी डिसरिस्पेक्ट की जाए। इस सब के अलावा मेरी अम्मी बहुत लविंग है, केयरिंग है। अब देखना, अब वो तुम्हारी हर चीज में हेल्प करेंगी, तुम्हें हर चीज में सपोर्ट करेंगी, तुम्हें परेशान नहीं होने देंगी कब, समझी कुछ? लेकिन फखर ये सब तो ड्रामा है ना, तुम जानते हो तुम्हारी अम्मी तुम्हारी आइडियल है, और मैं कभी भी तुम्हारी अम्मी जैसी नहीं बन सकती। हाँ मैं जानता हूँ तुम मेरी जैसी नहीं हो, लेकिन तुम और अभी जैसे तुम हंसती हो, हर वक्त खुश रहती हो, मुझे यही अच्छा लगता है तुम्हारे बारे में। देखो इस दुनिया में दो तरह की औरतें होती, एक मेरी अम्मी जैसी ग्रेसफुल लविंग केयरिंग, उनके अंदर ये क्वालिटीज हैं इसीलिए मैं उन्हें अपना आइडल मानता हूं। फिर एक तुम्हारे जैसी अनप्रिडिक्टेबल लाउड लाइवली केयरलेस, ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट्स हैं, और ये मेरी जिंदगी के खूबसूरत रंग है, इनके बगैर नहीं रह सकता मैं। I love you. I love you too. अच्छा अपनी सोच नहीं मत करना, बुरी बात होती है। एक बार और तुमने ये कहा ना तो मैं तुम्हें तो ये अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी पियो कॉफी। ये